हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे वन पॉट चिकन पुलाव। तो उसके लिए सबसे पहले हमने अनियन टमाटो का थोड़ा सा मसाला लिया है। इसकी रेसिपी मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। उसमें हाफ के जी चिकन डालेंगे और इसे बीच बीच में चलाते हुए हाफ टर्न होने तक कुक करेंगे और इसे कवर करके कुक करेंगे, जिससे कि हमारा चिकन जल्दी कुक हो जाएगा। पहले हम 3 से 4 मिनट के लिए जस्ट इसे कवर करके थोड़ा भून लेंगे। उसके बाद हम इसका लिड लगा करके इसे एक विसल आने तक कुक कर लेंगे। और उतने में ये हमने चावल का पानी भी चढ़ा दिया है। मैंने 1 कटोरी चावल लिया है तो 2 कटोरी पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। ये देखिए, अभी हम एक विसल आने तक इसे कुक कर लेंगे। एक विसल आने के बाद हम अपने कुकर को खोलेंगे तो हमारा चिकन डन होगा। हमें चिकन को पूरी तरह से डन नहीं करना है, क्योंकि जब हम राइस को भी कुक करेंगे तो उसके साथ ये फिर चिकन ओवर कुक हो जाएगा। ये अब हम इसमें ऑयल डालेंगे, सॉल्ट और जीरा डालेंगे, क्योंकि हमें इसमें राइस ऐड करने हैं और मसाले में जो हमारा नमक मिर्च और ऑयल था वो मसाले के अकॉर्डिंग था। अब हम इसमें अपना बॉइल्ड वाटर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बॉइल्ड वाटर ही डालना है। अगर आप नॉर्मल वाटर डालेंगे तो चिकन का टेम्परेचर भी डाउन चला जाएगा और गर्म होने में ये इसकी बोन्स अलग हो जाएंगी और मीट अलग हो जाएगा। 1 से 2 मिनट के बाद अब हम इसमें 1 कटोरी चावल अच्छे से धो करके वो ऐड कर देंगे और इसे मिक्स करेंगे। और 1 सीटी आने तक कुकर को बंद करके हम कुक कर लेंगे। 1 सीटी आने के बाद ये हमारे राइस डन है। इसे एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे, इस तरह से साइड से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप बीच में से करछी लगाएंगे तो आपके चावल टूट जाएंगे। ये देखिए, हमारे कोई भी चावल टूटे नहीं है और ये हमारा चिकन पुलाव रेडी है। थैंक यू।